नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। सकमा से संवाददाता राजू रंजन की रिपोर्ट। सकमा प्रखंड स्थित हाई स्कूल के निकट शनिवार को धान क्रय केंद्र खोला गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड बी सूत्री अध्यक्ष राजेंद्र यादव, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष मुख्तार आलम, सांसद प्रतिनिधि सखीचंद प्रजापति, मुखिया नारायण दास यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन करते हुए राजेंद्र यादव ने कहा कि धान क्रय केंद्र खुल जाने से प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों के निलंबित किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अपना धान बेचने में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार निलंबित किसानों से प्रति क्विंटल 1750 एवं 1770 रुपये के निर्धारित रेट पर धान खरीदेगी। धान क्रय केंद्र की शुरुआत हो जाने से किसानों को अपना धान बेचने में आसानी होगी। मुखिया नारायण दास यादव ने संबोधित करते हुए कहा, सरकार प्रखंड के निलंबित किसानों से सरकारी रेट पर धान क्रय करेगी, जिसके तहत सरकार साधारण धान 1750 रुपये एवं उत्तम किस्म के धान 1770 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद करेगी तथा किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा देगी। इस मौके पर मनोज प्रताप देव, चंदन यादव, अमोल यादव, सीताराम जायसवाल, सत्य यादव, रंजन गुप्ता, गोदाम प्रभारी सुशील कुमार, राजेश कुमार सहित काफी संख्या में भी लोग उपस्थित थे। क्रय केंद्र खुल जाने से संगमा प्रखंड वासियों को, किसानों को बहुत राहत हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को और सांसद महोदय को। अथक प्रयास से संगमा में धान क्रय केंद्र खुलवाए और सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसका धान क्रय केंद्र खुला, अब किसानों को 17.50 रुपये के दर से यहाँ पर धान लिया जाएगा। किसी प्रकार का मतलब यहाँ हेरा फेरी भी नहीं होगा। किसान निश्चित होकर के अपना धान बेच सकते हैं। एक सप्ताह के अंदर पैसा भी भुगतान हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।